आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अमेरिका ने WHO से हटने का फैसला लिया है। ये एक एडिटोरियल वीडियो है, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। कि हम सब जानते हैं कि ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है यूनाइटेड नेशंस को कि वो विड्रॉ कर लेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 6 जुलाई 2021 तक। और यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसा करने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फाइनेंशियल संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है फंड्स के मामले में। और ऐसा तब होगा जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक COVID-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में फंड की और ज्यादा आवश्यकता है। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के तरफ से जो लगातार धमकी दी जा रही थी कि US पुल आउट कर लेगा WHO से, इसको अब पूरा कर दिया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को काफी समय से ऐसा लग रहा था कि WHO चाइना के इशारों पे काम कर रहा है और WHO ने समय रहते इस COVID-19 पैंडेमिक पे कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से ये काफी व्यापक स्तर पे पूरे विश्व भर में फैला है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की इस धारणा को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पे जरूर एकमत हैं कि WHO की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई पैंडेमिक के हैंडलिंग में, लेकिन फिर भी WHO की तरफ से जो कार्य हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री है और जिस कंस्ट्रेन या जिन रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत WHO को काम करना पड़ता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो WHO ने ठीक ठाक तरीके से COVID-19 को हैंडल करने की कोशिश की है। यद्यपि कुछ गलतियां WHO की तरफ से जरूर हुई हैं। और अब भी WHO क्लिनिकल ट्रायल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है विश्व भर में, जो कि COVID-19 का ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए हो रहे हैं, और खास तौर से वैक्सीन बनाने वाले सारे एफर्ट्स को भी WHO कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और किस तरीके से इन्हें एक इक्विटेबल तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि US कांग्रेस का एक 1948 का रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स WHO से तभी विड्रॉ कर सकता है जब वो दो शर्तें पूरा करेगा। एक तो एक साल का नोटिस देना पड़ेगा WHO को, और दूसरा कोई भी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो US की तरफ से WHO को दिए जाने हैं उन सबको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए US का विड्रॉल होते होते करीब एक साल का समय लगेगा। और इस बीच में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होनी है वो है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि नवंबर 2020 में है। और पहले ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के राइवल हैं इस इलेक्शन में और जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो इस डिसीजन को वापस ले लेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स WHO का मेंबर बना रहेगा। लेकिन अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि US को WHO से बाहर ले जाएं, और अगर ऐसा होता है तो WHO के फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि US WHO का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फंड्स के मामले में। और इस इंफोग्राफ में हम देख सकते हैं कि टॉप 10 WHO फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स कौन से देश हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो USA है नंबर 1 पे, और इसके बाद आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद आता है जो वैक्सीन अलायंस है जिसको गावी अलायंस भी कहते हैं, और फिर आता है जर्मनी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डार्क ब्लू में है और लाइट ब्लू में है, तो डार्क ब्लू वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये एसेस्ड कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये ड्यूज हैं जो कि मेंबर स्टेट्स को देने ही हैं WHO को। और जो लाइट ब्लू वाला हिस्सा है ये है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये स्वेच्छा से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि US काफी ज्यादा फंडिंग करता है WHO को। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि 6 जुलाई को, जबकि US में जो कोरोना वायरस के केस हैं वो करीब करीब 2.8 मिलियन हो गए हैं, और जो वहां मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के द्वारा वो करीब करीब 0.13 मिलियन तक पहुंच गई है। और ऐसी संख्या देखने के बाद US ने ये नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस को कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आना चाहता है, और ये काफी चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा डिसीजन तब आ रहा है जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने May 29 को ये बात कही थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोक देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार WHO पे ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और चाइना के इशारों पे काम कर रही है,
और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा चाइना और WHO पे फोकस करना अपनी कमियों से बचने का भी एक तरीका है, क्योंकि जो COVID-19 को हैंडल करने में यूनाइटेड स्टेट्स का रवैया रहा है या जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको टैकल करने की कोशिशें की हैं वो काफ़ी ग्रॉस मिसमैनेजमेंट को दर्शाती हैं, यानी कि बहुत सही ढंग से COVID-19 को मैनेज करने में US जैसी डेवलप्ड कंट्री सफल नहीं रही है। और मई 18 में एक लेटर के द्वारा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने WHO पे कुछ आरोप लगाए थे, जिसमें कि एक था कि WHO चाइना से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो चाइना के इशारों पे काम कर रही है। दूसरा, WHO ने बहुत ज़्यादा समय लिया है इस COVID-19 थ्रेट को समझने में और उस पर एक्ट करने पे, जिससे कि ये महामारी पूरे विश्व में फैल गई है। और तीसरा, उनका आरोप है कि लगातार WHO के द्वारा इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स किए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर। हालांकि इन सारे आरोपों के बहुत ही ठोस सबूत US के पास मौजूद नहीं है। आगे एडिटोरियल ये भी बताता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से लिया है और इसके पीछे US कांग्रेस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट है, उसका अप्रूवल इसको प्राप्त नहीं है। और ये डिसीजन भी इफेक्टिव हो पाएगा एक साल के बाद, यानी कि जुलाई 6, 2021 तक। तो तब तक ये संभावना जरूर है कि या तो कांग्रेस या US की सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्स कर दे। नवंबर 2020 में US में चुनाव भी हैं, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो बिडेन, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो इस डिसीजन को विड्रॉ करेंगे और US WHO का मेंबर बना रहेगा। और US के अंदर भी इस डिसीजन का काफ़ी विरोध हो रहा है, खास तौर से एकेडमिया के द्वारा और मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, जो कि समझते हैं कि US का WHO में बना रहना सिर्फ WHO के हित में नहीं है बल्कि US के भी हित में है। आगे एडिटोरियल कहता है कि ये जो US का डिसीजन है इससे WHO को काफ़ी झटका लगेगा और जो WHO के प्रोग्राम्स पूरे विश्व में चलते हैं, खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं और भी बीमारियों के खिलाफ कई सारे प्रोग्राम्स हैं, उनकी फंडिंग को भी अब दिक्कत होगी, क्योंकि US की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सालाना करीब करीब $450 मिलियन के करीब होता है और US सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है WHO को। एडिटोरियल ये भी बताता है कि इस पैंडेमिक के द्वारा कई सारी जो कमियां हैं WHO की फंक्शनिंग में और उसके स्ट्रक्चर में, ये सब भी उजागर हुई हैं। और इसमें वो एक उदाहरण देता है, 2005 में जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का रिवीजन किया गया, जिसने कि ये मैंडेटरी किया देशों के ऊपर कि वो किसी भी इवेंट जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है उसके बारे में WHO को रिपोर्ट करेंगे, और WHO की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट जाती है वेरिफिकेशन के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन WHO को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद WHO के पास बहुत ही सीमित पावर है कि वो ऐसे रेगुलेशन को एनफोर्स करा पाए मेंबर स्टेट्स के द्वारा, और WHO के पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी नहीं है कि मेंबर स्टेट जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन WHO नहीं करा सकती है। साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी बताता है कि WHO से अगर US बाहर चला जाता है तो इससे US के साइंटिस्ट भी WHO में जो की रोल्स में हैं और जो उसकी रिस्पॉन्स टीम्स का हिस्सा हैं, वो भी अब इस काम को नहीं कर पाएंगे, और इससे US के पास भी जो हेल्थ इंटेलिजेंस है उसमें कमी आएगी, जिससे कि US का जो कोई भी अगर रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक को लेकर, तो वो भी प्रभावित होगा गलत रूप से। और अंत में एडिटोरियल यही बात कहता है कि इस तरीके का जो US का निर्णय है इससे सभी का नुकसान है, ये WHO को भी शक्तिहीन बनाएगा लेकिन ये US के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में, अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 7 अप्रैल 1948 में, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और ये एक प्रीलिम्स फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर स्टेट्स हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके 150 कंट्री ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिस हैं। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशिया के लिए नई दिल्ली में स्थित है, और WHO का खुद का हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है।
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य भूमिका है वो है कि वो डायरेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे इंटरनेशनल हेल्थ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के अंतर्गत। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों से डील करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें सबसे अहम रोल है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो कि इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यानी कि ये नीति निर्माण करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये हर साल जेनेवा में मई के महीने में एक मीटिंग करती है जिसको सारे 194 मेंबर स्टेट्स अटेंड करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो मुख्य फंक्शन है वो है कि वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहनोम जो कि इथियोपिया से आते हैं। दूसरा फंक्शन है कि ये फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी सुपरवाइज करती है। तीसरा फंक्शन है कि ये रिव्यू और अप्रूव करती है जो प्रोग्राम के बजट होते हैं WHO के। और चौथा फंक्शन ये है कि ये जो रिपोर्ट्स इसको मिलती हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा उसको भी ये देखती है और उस पर निर्णय लेती है। तो यहाँ जरूरी है जानना कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक 34 मेंबर टेक्निकली क्वालिफाइड बॉडी है। तो इसके सारे मेंबर टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह ही रहते हैं इसके मेंबर्स। और भारत ने अभी रिसेंटली जापान को रिप्लेस किया है एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है प्रीलिम्स से जुड़ी हुई और आपको पता होनी चाहिए। तो भारत को इलेक्ट किया गया है 3 साल के टर्म के लिए, जिसमें कि 1 साल भारत इसका चेयरमैन रहेगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो मेन फंक्शन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो है कि जो डिसीजन और पॉलिसीज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा बनाई जाती है उसको क्रियान्वित करना और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को सलाह देना और फैसिलिटेट करना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के काम को, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 194 मेंबर्स हैं। तो ये काफी बड़ी बॉडी है और ये डिसीजन ले तो सकती है, लेकिन एक छोटी बॉडी चाहिए जो कि डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे, और इसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। अंत में देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। तो ये एक एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज, जिसमें कि WHO के सारे मेंबर स्टेट्स भी शामिल हैं, कि हम साथ में काम करेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। और ये की इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बीमारी फैले उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 है। और ये रेगुलेशन बाइंडिंग है सारे 196 स्टेट्स जो कि इसके सिग्नेटरी हैं और जिसमें कि सारे मेंबर्स WHO के भी आते हैं। और इसी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के आर्टिकल 12 के अनुसार WHO के डायरेक्टर जनरल ने 30 जनवरी को COVID-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया था। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है जिसके दो फीचर हैं। पहला कि ये एक पब्लिक हेल्थ रिस्क होता है जो कि दूसरे देशों तक फैल सकता है, और दूसरा ये है कि इसको टैकल करने के लिए एक इंटरनेशनल रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कहा जा सकता है। और मार्च 2020 को WHO ने COVID-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।